सच बता रहा हूँ, जिस दिन हमारे जो ये ना अकल जाड़ होती है, अकलदार भाई साहब, जब दर्द होता है ना तो बंदे को कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, सांस लेनी भारी हो जाती है, तब भयंकर दर्द होता है, तो सीधे दांत के डॉक्टर के पास भागता है। रूट केनाल कराने के लिए यहाँ पर मैं तो हैरान ही रह गया, पता नहीं रूट केनाल में इतना पैसा क्यों लगता है, बट रूट केनाल करवाने के लिए 4-4, 5-5 हज़ार रुपया लग जाता है, और डॉक्टर जो दांतों के डॉक्टर है बहुत पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा खासा एसी वाला एक छोटा सा ऑफिस लिया होता है, उसमें भाई साहब बैठे होते हैं, और आपके एक बार दांत की कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और मैं तो तब हैरान रह गया, मुझे दांत लगवाना था, भाई साहब दांत का रेट देखो आप, ऐसी हालत खराब होती है, मतलब दांत के डॉक्टर का इतना पैसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा हाँ भैया बहुत पैसा है एक दांत बनवाने के लिए, अगर उसमें दांत में अलग अलग प्राइस है, 5,000 का एक दांत, नकली दांत का दांत निकलवा दिया है तो रूट कैनाल कराओगे दांत निकालना पड़ेगा, और कैप करवानी है तो 5,000 से रेट शुरू होती है यहाँ, 5,000, 12,000 की दांत, फिर एक 50,000 की दांत है, और एक 1.5 लाख रुपए की दांत है। मैंने कहा 1.5 लाख का एक दांत, ऐसा क्या है भाई, उसमें सोने जड़े हैं, हीरे जड़े हैं, क्या चक्कर है, तो इतना पैसा चार्ज करते हैं वो। और अगर आपको एज इट इज जैसा दांत है वैसा दांत चाहिए, उसकी कीमत यहाँ मैं बता रहा हूँ आपके शहर, मुझे पता नहीं 12,000 रुपये मिनिमम एक दांत की कीमत है। मान लो किसी की 32 पूरी गायब हो गई, अब आप हिसाब लगाओ, किसी की 32, कोई गिर गया, गिर के उसका पूरा मुंह टूट गया, मुंह के अंदर सारे दांत वो टूट गए, अब तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, खाना तो खाना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, सो इन दैट केस अगर उसे 32 लगानी पड़ गई, और एक दांत 10,000 रुपये का अगर मान लो डिस्काउंट करके भी दिया, 32 दांत होते हैं, हिसाब लगाओ।